साडा टीवी यूएसए नाल जुड़े दर्शकों का स्वागत है दोस्तों, तुहाडे लई वड्डी अपडेट लैके हाजिर हो रहे हैं। खबर आ रही है डेरा सिरसा मुखी राम रहीम नाल संबंधित। मेरी तुहानू रिक्वेस्ट है वीडियो नू अंत तक जरूर देखो, चैनल नू सबसक्राइब करो। हुण नवां खुलासा होया है कि राम रहीम हस्पताल विच इस गल दी वार वार मंग करता है, जिस बारे ताज़ा जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों वड्डी खबर डेरा मुखी राम रहीम बारे आ रही है, उस वलों जेल विच इक्को गल दी वार वार रट लगाई जा रही है। पिछले दिन ही जिथे डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम की सेहत खराब होने उन्हां नूं रोहतक के पी जी आई हस्पताल विच इलाज लई दाखल करवा दिता गया सी, जिथे उन्हां दी सेहत विच सुधार नूं देखदे हुए 21 घंटे बाद मुड़ वीरवार नूं भारी सुरक्षा तहत सुनारिया जेल वापस भेज दिता गया। मिली जानकारी अनुसार उन्हां रात 1 बजे के करीब उत्थे तैनात सुरक्षा अधिकारियों नूं कहा कि उन्हां नूं घबराहट हो रही है, इसलिए उन्हां दी पत्नी बेटे अते हनीप्रीत नूं मिलन दी जिद राम रहीम करन लगे, पर इन्हां पुलिस अधिकारियों वल्लों इस दी इजाजत नहीं दित्ती गई। उन्हां दी सुरक्षा विच 120 पुलिस जवानां ते 1 DSP नूं तैनात किया गया सी, जिथे उह जेरे इलाज सन। उन्हां नूं मिलन वाले हर एक पुलिस कर्मचारी हस्पताल दे स्टाफ उपर नज़र रखी जा रही थी। उत्थे पुलिस वालों अलग तो कैमरे भी लगाए गए सन। दोपहर 12 बजे उन्होंने की गई जांच में सब कुछ धारण पाए जाते उन्होंने दोपहर 2:15 बजे PGI तो छुट्टी कर दी गई। तो उस तो बाद 3:15 से भारी सुरक्षा के तहत सुनारिया जेल वापस भेज दिता गया। दोस्तों वड्डी अपडेट डेरा सिरसा मुखी राम रहीम के मामले च आ रही है, उन्होंने वालों अपने परिवार को मिलने की लगातार जिद की जा रही है। इस खबर बारे अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दिओ। जल्द ही मिलेंगे नवी तो ताज़ा खबर के नाल, तद तक लई सत श्री अकाल।